हे गाइस, आज मेरे यहाँ सत्संग होने वाला है, तो आप मेरे यहाँ का सत्संग का एंजॉय कीजिएगा और हम लोग भी खूब सारा एंजॉय करेंगे। तो रुको जरा, सबर करो। तो गाइस, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी इसका चेहरा नजर आएगा, आप लोग तुरंत पहचान जाइएगा। हाँ, ये अमित भैया का लड़का है और ये पूरा दिन बदमाशियाँ करते रहता है, आज भी ये बदमाशी कर रहा है। जैसा कि आज मेरे यहाँ सत्संग है तो खाना तो बनेगा ही और ध्यान भी है, तो ये सब खाना का तैयारी में लगा हुआ है। सब अपने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, इसीलिए मैं भी अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करने की कोशिश में हूँ और मैं भी चल देती हूँ अपना काम करने के लिए। आज मुझे चारा काटने के लिए दिया जाता है और मैं ये काम कर करके बहुत ही पसीना से लथपथ हो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गर्मी लगता है और ये देखिए मेरा पसीना कितना आ रहा है शरीर पे, बहुत गर्मी है आज। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये ध्यान किस बात का है, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये हमारे घर का छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा पर्रू है, इसी के लिए आज पूजा हो रही है, ध्यान भी हो रहा है, इसी के लिए सत्संग भी इसी के लिए हो रहा है, असंभव। इसी के लिए सारा ध्यान, पूजा, भंडारा, सत्संग ये सब चीज हो रहा है, क्योंकि इसका आज 12 दिन पूर चुका है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। सत्संग खत्म होने के बाद सभी को भोजन कराया जाता है। सभी भोजन खत्म करने के बाद मम्मी सभी का हाथ धुलाती है, क्योंकि हाथ धुलाने से मम्मी को पुण्य प्राप्त होगा। जल्दी जल्दी हाथ धुलाने के बाद मम्मी सारा सामान समेट लेती है और हम लोग आगे चलते। अब बारी आता है इन बच्चों सबके खाने का। इन सभी को चूड़ा प्लेट में दे दिया जाता है और ये सब खाने में जुट जाता है। और ये देखिए, ये पीयूष है और ये नव्या है और इसको तो पहचानते हैं, और ये शिवा, ये उसकी सिस्टर, ये शिवानी और ये मानवी, सब खूब खा रहा है और ये बेचारा बेबी भी खा रहा है अच्छी तरह से। इन जनाब को देखिए कैसे खाना को ताड़ रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी जाके प्लेट छीन के उसका खा जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये महाशय कौन है, ये बहुत लेट से आया है इसीलिए ये अकेले बैठ के खा रहा है। इसी के खाने के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय।